जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने कोहलर का सूत्र सिद्धांत पढ़ा, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, और स्किनर का हमने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है। वाइगोत्स्की साहब का आपने नाम सुना होगा, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, है ना, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की इनका जो पूरा नाम है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने देखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया प्याजे साहब ने, लेकिन संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया है, तो वो दिया है वाइगोत्स्की साहब ने, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हमें याद रखनी है। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। इनका मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा करते हैं, ठीक है। इन्होंने मानव विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण माना। मानव विकास में जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं उनको महत्वपूर्ण माना किसने, वाइगोत्स्की साहब ने। तो यहां से आपके कई प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहला यही कि संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वाइगोत्स्की साहब ने किया, है ना। वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन्होंने जो बच्चे अपने ज्ञान का जो निर्माण है वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा करते हैं, ये किसने कहा है, तो ये वाइगोत्स्की साहब ने कहा है। तो ये चीज भी आपको यहाँ से पता चलती है। इन्होंने मानव विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण माना है, किसने, वाइगोत्स्की साहब ने, ये चीज भी आपको जाननी है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मोर नॉलेजेबल अदर, विचारों, मूल्यों, तकनीकियों तथा भाषा का ज्ञान बालक किसी बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक, सहयोगी या प्रौद्योगिकी द्वारा सीखते हैं, ठीक है। और इन पक्षों को मोर नॉलेजेबल जो है अदर की संज्ञा दी है, ये याद रख लेना, ठीक है। और भी देखेंगे ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण जो है दोस्तों, ढांचा निर्माण बच्चों के पास अवस्थित तथा असंगठित संप्रत्यय होते हैं, जबकि कुशल व्यक्ति के पास संगठित तथा व्यवस्थित संप्रत्यय होते हैं। इन दोनों के मध्य संवाद के परिणाम स्वरूप बच्चे के विचार भी क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित हो जाते हैं, यही ढांचा निर्माण कहलाता है। संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण औजार है। ढांचा निर्माण संभावित विकास के क्षेत्र में जो है संबंधित प्रत्यय है। संभावित विकास का क्षेत्र बच्चा जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है के बीच में जो क्षेत्र संभावित विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो ये कुछ आवश्यक तत्व हैं, है ना, संज्ञानात्मक विकास के जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में। मोर नॉलेजेबल अदर, ढांचा निर्माण, संभावित विकास का क्षेत्र, है ना, भाषा और विचार, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने संभावित विकास का क्षेत्र की बच्चा बिना मदद के कर सकता है ना, बच्चा जो क्षमता रख सकता है उस क्षमता के आधार पर संभावित विकास का क्षेत्र है जो कि बच्चा बिना मदद की कर सकता है, वो संभावित विकास। संभावित विकास के क्षेत्र की पूर्ति के लिए बच्चा अपने से कुशल माता पिता, भाई बहन या शिक्षक की सहायता लेता है। भाषा और विचार, बालक भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु, स्वनिर्देशित कार्य हेतु, निर्देशन देने, अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने व मूल्यांकन करने के लिए करता है। वाइगोत्स्की भाषा को तीन स्तरों में विभाजित करते हैं। एक तो सामाजिक भाषा, इसके द्वारा बालक दूसरों के साथ अंतःक्रिया करता है। व्यक्तिगत या स्वकेंद्रित भाषा, इसके द्वारा बालक किसी कार्य को करते समय बोलकर स्वयं को समझाता निर्देशित करता है, व्यक्तिगत या स्वकेंद्रित भाषा। आत्मभाषा, इसके द्वारा बालक मन में सोचते हुए कार्य करता है। भाषा का विकास दूसरों के साथ जो है संपर्क से होता है, है ना। खेल, देखो इससे बालक आत्म अनुशासन, आत्मसंतुष्ट, आत्मविवेक वो आत्मनिमिनीकरण सीखता है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वाइगोत्स्की ने भाषा विचार का जो प्रयोग है, भाषा विचार, भाषा को कितने स्तरों में विभाजित किया है, तब आपका उत्तर होगा सामाजिक स्तर, व्यक्तिगत या स्वकेंद्रित भाषा और आत्मभाषा, यानी कि तीन स्तरों में इन्होंने विभाजित किया है। ये चीज आपको याद रखनी है वाइगोत्स्की के बारे में, ठीक है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, वयस्कों, समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा। ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अनुसार जो है बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, तो किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार।
वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है तो क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में इस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, तो किसकी मानते हैं? सामाजिक कारक की। ठीक है, वाइगोत्स्की साहब मानते हैं, है ना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के इस पहलू की उपेक्षा होती है, जैविक पहलू की। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित तो पारस्परिक शिक्षण जो है ना, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो प्रत्यय दिया गया वो किसने दिया? वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया। तो ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, हम देखने वाले हैं दोस्तों सीखने के वक्र। सीखने के वक्र का अर्थ एवं परिभाषा। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। सीखने के वक्र से एक क्वेश्चन आपका बनता है, इसको अच्छे से देखना है। यहाँ पर देखो ये वक्र के प्रकार दिए हैं, कौन सा वक्र है, ये चित्र के आधार पर वक्र दर्शाया गया और ये उसकी विशेषता। सबसे पहले आता है सरल रेखीय वक्र, है ना, ये उसका चित्र है। इस प्रकार से ये सरल रेखीय वक्र है और जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तब सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, उन्नतोदर वक्र, तो ये इस प्रकार से उन्नतोदर वक्र है, है ना। इस वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ अधिक की अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है तथा अंत में वक्र एक पठार के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से पठार के रूप में हो जाता है। ये नकारात्मक गति वक्र, इसे नकारात्मक गति वक्र भी कहते हैं, उन्नतोदर वक्र को। ठीक है, नतोदर वक्र, तो अधिगम की मात्रा इस प्रकार से आप दे रहे हैं नतोदत, है ना, नतोदर वक्र है। समय अथवा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है और इसे सकारात्मक गति वक्र कहा जाता है। तो नतोदर वक्र को सकारात्मक गति वक्र, उन्नतोदर वक्र को नकारात्मक गति वक्र, है ना। मिश्रित वक्र देखो, मिश्रित वक्र इस प्रकार से ए एस टाइप का है और इसे एस प्रकार का वक्र भी कहा जाता है। मिश्रित वक्र को अगर आपसे पूछा जाए कि किस वक्र को एस टाइप या एस प्रकार का वक्र भी कहा जाता है, तो किस वक्र को कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा मिश्रित वक्र को कहा जाता है। ठीक है, नतोदर द्वारा उन्नतोदर वक्र का मिला जुला रूप होता है। नतोदर तथा उन्नतोदर वक्र का मिला जुला जो रूप है वो क्या है? मिश्रित वक्र है, जिसे एस प्रकार का वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने दोस्तों क्या सीखे? सीखने के वक्र सीखे। सीखने के वक्र जो होते हैं वो उस सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र, ये होते हैं वक्र। ठीक है, और यहाँ पर हमने वाइगोत्स्की के देखे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे उनके बारे में, कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा सीखते। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में इस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, सामाजिक कारक की। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के इस पहलू की उपेक्षा होती है, तो जैविक पहलू की होती है, है ना, जैविक पहलू की। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित पारस्परिक शिक्षण है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया है, तो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी, एक तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में जो महत्वपूर्ण थी उनके बारे में पढ़ा, और दूसरा सीखने के वक्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो अपना होगा वो सीखने में पठार से संबंधित होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।